अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से बताने जा रहे हैं, जहां पर सहकारी समिति के चुनाव के दौरान महिला बीजेपी विधायक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का पर्चा ही लूट कर ले गए। इसके बाद सहकारी समिति के दफ्तर में जमकर बवाल मचा और समाजवादी पार्टी के लोगों ने जब हंगामा खड़ा किया तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये तस्वीरें यूपी के लखीमपुर खीरी की हैं। फूल बेहर सरकारी समिति के दफ्तर में बवाल काट रही ये महिला बीजेपी विधायक मंजू त्यागी हैं। लखीमपुर में गुरुवार को चार सहकारी समितियों के संचालक पद के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही थी। सहकारी समिति के दफ्तर में काफी गहमा गहमी का माहौल था। इसी दौरान बीजेपी विधायक मंजू त्यागी भी मौके पर पहुंच गई। उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थक भी थे। इसके बाद नामांकन कार्यालय में हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी विधायक ने नामांकन अधिकारी के हाथ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का पर्चा छीन लिया। नामांकन अधिकारी, एसडीएम और पुलिस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। वायरल वीडियो में भाजपा विधायक मंजू त्यागी की दबंगई साफ दिख रही है। विधायक पर्चा के साथ ही नामांकन कक्ष से कागज और रजिस्टर भी उठाकर ले जाती नजर आ रही हैं। वीडियो में वो अधिकारी के हाथ से कागज छीनती दिख रही हैं। जिस वक्त बीजेपी विधायक ने नामांकन अधिकारी के हाथ से पर्चा छीना था, उस वक्त एसडीएम सहित बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां मौजूद थी, लेकिन किसी की हिम्मत बीजेपी विधायक को रोकने की नहीं हुई। सत्ता पक्ष के विधायक की इसी दबंगई के बाद सहकारी समिति परिसर में बवाल मच गया। वहां मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। इसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। लखीमपुर में हुए इस हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि योगी सरकार पुलिस के बल पर दबंगई कर रही है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि लाठी चार्ज में एसपी के 8 कार्यकर्ता घायल हुए हैं।